guys, welcome to my channel. I am Mao friends and this is Shri. And friends, today's video is types of brothers. So friends, ये जो video है, ये रक्षाबंधन special है. तो let us watch this video. Types of brothers. आप टीवी देख रहे हो, जब देखो आप टीवी देखते रहते हो। आप सुबह से टीवी देख रहे हो, जा दीदी पढ़ाई कर लो। दो मिनट रुक जा। अरे प्रियंका की सास दीदी, आप टीवी देखते देखते ना अंडियों की तरह बर्ताव करने लग गए हो। चलो जल्दी रिमोट दो, नहीं तो मैं मम्मी को बुला लूंगा। नो 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 नो। क्यों मम्मी को क्यों, पापा को बुला लेना। दीदी आपको नहीं पता, अगर पापा को बुलाया ना तो पापा खुद टीवी देखने बैठ जाएंगे और बोलेंगे बेटा जा पढ़ाई कर ले तू। क्या हुआ आपको, हंस क्यों रहे हो आप। बेटा जरा पीछे तो मुड़ के देखो, तुम्हारी ना शामत आई है। पापा आप oh, no. कह रहे थे तुम मेरे बारे में। नहीं पापा, मैं दीदी को कह रहा था चलो दीदी हम ना पढ़ाई कर दे और पापा को कहते कि आप टीवी देखो। झूठ मत बोलो तुम, तुम्हें क्या लगता है तुम स्मार्ट हो, तो मैं डबल स्मार्ट हूँ। कब से बिटिया रानी को परेशान कर रहे हो तुम, जाके पढ़ाई करो, पढ़ाई करते नहीं हो कुछ नहीं। ए, पापा मैं सच बोल रहा, दीदी कब से टीवी देख रही है। हाँ बेटा बहुत झूठ बोल लिया तुमने, अब आओ मैं तुम्हारी ऐसी धुलाई करता हूँ ना, झूठ बोलना बंद कर दो। दीदी दीदी बहुत भूख लग रही, कुछ खाने को बना ना। इतनी हिम्मत तुम्हारी जो तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो, इतनी भूख लगी है तो खुद बना लो। अरे दीदी कुछ तो बना दो ना प्लीज। नहीं तो बनाओ, वैसे भी मामा बोल के गई है ना कि भूख लगी तो खुद कुछ बना के खा लेना है, तो खुद बना ले ठीक है ना। यार दीदी मम्मा ने कुछ खाने को नहीं बनाया क्या, मुझे बहुत भूख लग रही है। oh my God. एक काम करना तू, मैगी बना के क्यों नहीं खा लेता है, मैं तो चलिए अपने मैगी बनाने। ठीक है बना तो दूंगी मैं तेरे लिए मैगी, लेकिन पहले तुझे अपने पॉकेट मनी से 100 रुपए लाने होंगे। 100 रुपए पर मैगी तो 20 रुपए की आती है। हाँ तो मसाले सिलेंडर पानी और मेरी बनाने की फीस कौन देगा। ठीक है लाऊंगा, फिर तो आप मुझे बना के दोगे ना मैगी। जल्दी से अभी मैगी बना। हाँ हाँ बिल्कुल। एक काम कर तू जाके रेस्ट कर, तब तक मैं मैगी बना लेती हूँ, और जो बची कुची मैगी होगी मेरे खाने के बाद वो मैं तुझे दे दूंगी ठीक है। और हाँ तू मैगी खाने के बाद ना बर्तन भी धो लेना, इस बात का याद रखना ठीक है। लेकिन दीदी मैंने आपको 100 रुपए दिए थे मैगी बनाने के लिए, तू मुझे वापस 100 रुपए। oh, no. कौन से 100 रुपए, मुझे कोई 100 रुपए नहीं मिले, अब मैं जा रही हूँ मैगी बनाने के लिए, भूल जा तो उस मैगी को। कितनी बुरी है, कोई सच कहता है लड़की हमेशा धोखा ही देती है। जब देखो सोता रहता है पर ना फोन देखता रहता है। मैं तो पूरा दिन आराम कर रहा है इसने तो। दीदी ठीक से साफ करो ना, कैसे साफ कर रहे हो आप, हमने आपको घर पे क्यों रखा है ताकि आप अच्छे से काम कर सको। बोला आपने तो मैं आपका अब भी फोटो खींच के इंस्टा पे पोस्ट कर दूंगा। नो 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 नो, मेरी फोटो मत ले तू। नहीं नहीं आज तो मैं आपकी फोटो ही लेके रहूंगा। इधर देखो दीदी, दीदी इधर देखो, इधर देखो। अब देख तू, तू ना मेरे काम करते हुए फोटो मत ले, अगर मेरी फ्रेंड्स ने देख लिया ना तो मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेगी, मेरी पूरी रेपुटेशन ही खराब हो जाएगी, क्योंकि उनको थोड़ी पता है कि मैं काम भी करती हूँ घर पे। क्या फोटो आ रही काम वाली बाई की। यार देख तू, तू ना मुझे काम वाली बाई मत बोल, वरना मैं मम्मा को जाके बता दूंगी समझा। नहीं मैं अभी पोस्ट करता हूँ, आपने तब मुझे मैगी दी थी हैशटैग काम वाली बाई, ये पोस्ट की तेरी तो मम्मा। ओए सुन कैसी लग रही हूँ मैं। अरे इतना पाउडर लगाया रे आपने, बहुत फनी दिख रही हो आप। अरे स्टूपिड ये पाउडर नहीं मेकअप का कमाल है। हाँ वही मेकअप कितना सारा लगा लिया आपने, जल्दी पूछो ना। तुझे क्या पता मेकअप क्या होता है। जो भी हो दीदी आपने एक बार बाहर देख के जाना।
कहीं बारिश ना आ रही हो? बारिश? लेकिन क्यों? अगर आप बारिश में भर गए ना तो आपका मेकअप भी धुल जाएगा। आसपास के लोग आपको देख के बोलेंगे, अरे भागो भागो चुड़ैल आ गए हो भाई। पहले ना अपनी शक्ल देख ले शीशे में, पूरा बंदर की तरह दिखता है तू तो। आया मुझे बोलने वाला? भलाई का जमाने रेरा, मुझे क्या? श्री, वैसे रक्षाबंधन आने वाला है तो तू मुझे क्या गिफ्ट देने वाला है? कुछ भी नहीं। क्या मतलब कुछ भी नहीं देने वाला तू मुझे? मैं कह दूँ आपको, आपके पास तो सब कुछ है ऑलरेडी, मम्मी पापा ने आपको सब दे के रखा है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ, सारे भाई अपनी बहनों को गिफ्ट देते हैं। खैर मुझे तो तुझसे यही उम्मीद थी, वैसे भी तू मुझे हर टाइम 5 रुपए का पेन पकड़ा देता है, वो भी मम्मा के पैसों से। ये नहीं कि बहन को सरप्राइज दे दूँ। सरप्राइज? और तू सरप्राइज के लायक तो होने चाहिए ना, फिर मैं उसको कुछ लेके दूंगा ना। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। आपको किससे बात करने को कहा मुझसे? What? कैसा भाई है ये? Oh my God! आप आ गए, इतना लेट कैसे हुआ? अरे धीरे बोल, बताती हूँ, रुक रुक। अरे यार तुझे तो पता है ना कि मैं एक्स्ट्रा क्लास के लिए गई थी, और वहाँ पे मेरी फ्रेंड प्रिया है ना, उसका आज बर्थडे था, उसने हमें अचानक ही पार्टी दे दी, और अगर मैं पार्टी में गई नहीं होती तो मुझ पे बहुत गुस्सा हो जाती, इसलिए मुझे लेट हो गया। कोई बात नहीं दीदी, मैंने मम्मी को बता दिया कि आप घर आ चुकी हो और आप सो रही हो। थैंक यू सो मच ब्रो, मुझे तो पता ही था तो मुझे बचा ही लेगा। अरे दीदी आप तो मेरी प्यारी दीदी हो, आपको बताया तो मेरा फर्ज है। थैंक यू यार, हैप्पी रक्षाबंधन। So guys, how was the video? Please tell us in the comment section and don't forget to give this video a big like, share and subscribe. And friends, ये video Raksha Bandhan special है, तो happy Raksha Bandhan to all of you. Happy Raksha Bandhan. Yes. तो bye bye, take care and meet you in next video. And yes, अगर आपने ये videos नहीं देखी है तो जल्दी से देख लो। And yes, बीच में जो subscribe लिखा हुआ है ना, उस पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करो।